बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करती हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको शादोबाद रखे और हमेशा अपने रहमतों के साए में रखे, आमीन। और आज की वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ आलू और करेले की सब्ज़ी का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। पहले कढ़ाई में मैं ऑयल डाल लेती हूँ। और सबसे पहले मैं करेले फ्राई कर लूँगी, जो कि मैंने काट कर रखे हुए हैं अच्छी तरह धोकर। करेले भी डाल लिए, करेले फ्राई करने हैं। करेले अगर हम लोग पहले फ्राई कर लेंगे तो इसमें जो कड़वाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। ये देखें फ्राई हो रहे हैं करेले, बस थोड़ी देर और फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर ठीक है। ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो करेले तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, बस एक दो मिनट और फ्राई कर लूँगी। जी तो करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। बस इतने फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अगर जल गए तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़े थोड़े नरम भी रहने चाहिए। अब इसी ऑयल में मैं प्याज डाल लेती हूँ। प्याज और लहसुन दोनों एक साथ मैंने काट कर रखे हुए थे। करेले जब भी बनाने हों तो मैं इसमें प्याज ज़्यादा डालती हूँ, तकरीबन 4-5 प्याज मैंने काटे हैं दरमियाने साइज के। अब प्याज और लहसुन को थोड़ी देर ब्राउन कर लेती हूँ। हमारे लहसुन और प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें आलू जो मैंने काट कर रखे हुए थे वो भी डाल लेती हूँ। आलू को भी मैं फ्राई करूँगी इसी प्याज और लहसुन में। आलू भी फ्राई हो गए हैं, नरम हो गए हैं आलू। तो अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल लूँगी। अब टमाटर और मिर्च को भी 2 मिनट भूनने के बाद मैं बाकी मसाला भी डाल लूँगी। ये लाल मिर्च है, तमाम मसाला हसबे जायका डालना है। नमक, और ये धनिया पाउडर है। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल लूँगी। अब 2 मिनट फिर मसाले को भूनूंगी अच्छी तरह से। तो 2 मिनट तकरीबन मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया अच्छी तरह से, और आलू भी नरम हो गए हैं। तो अब इसमें मैं करेले डालूंगी जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। और अब फिर 2 से 3 मिनट तक भून लेती हूँ।
थोड़ा पानी लगा लेती हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार और टेस्टी सालन तैयार होने वाला है आज आलू और करेले का। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आलू और करेले। अगर मेरे चैनल किचन विद व्लॉग में मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर लिया करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी बार वक्त मिलते रहें। ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी आलू और करेले का सालन, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।